हाँ जी अग्रवाल जी, हाँ जी, हाँ समझ गया मैं। मैं क्या महाराज, चिंता नहीं करनी, सारा ऑर्डर टाइम पे पहुंच जाएगा। आपके बच्चे का मुंडन है ना, चिंता ना करो जी, वो आपका बच्चा नहीं मेरा बच्चा है। नहीं नहीं, आप नाराज क्यों हो रहे हैं जी? क्या आप अपनी बीवी को क्यों टेंशन दे रहे हैं जी? आपकी बीवी मेरी बीवी। क्या आप मुझे मारने आ रहे हैं? रॉन्ग नंबर है जी। गुड मॉर्निंग अग्रवाल जी, एमी नाराज हो गए। व्हाट डू यू मीन बाय एमी? भैया एमी, आप उसके बच्चे को अपना बच्चा बोल रहे हैं तो आदमी तो धोखा खाएगा ना। आप उसकी बीवी को अपनी बीवी बोल रहे हैं तो आदमी तो गुस्से में आएगा ना। यस। हुण की करा? हुण भग जा। अग्रवाल जी ने आके दीवार गिरा देनी है थारी। दुकानदार कहीं का। ओ बिल्लू। हाँ सुनो, वो मास्टर शर्मा जी ने मन ने बताया, उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि उनकी जो आइटम सॉरी प्रिंसिपल माला मैडम वो रात को क्लास के बच्चों ने लेके नाइट कैंपिंग पे जाने वाली है और वो देहरा और दून भी वहां होंगे, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना वहीं उनका बैंड बजा दिया जाए। पर कैसे? गुलगुले, जब बैंड बज ही रहा है तो क्यों ना थारा क्यों ना बज जाए पहले। आ रहा है मैडम, आ रहा है, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च नमक्कन एडिया आ रहा है। तो थारे जिंदगी का मक्खन और थारे सांसों की मिर्ची अपने गुस्से के बाजरे के रोटी के संग चबा रहूंगी, फिर देगा आइडिया। हाँ तो दरवाजे के पीछे तो आइए, मतलब सुनिए। गुड आइडिया, तू भी सुन ले चोर। ध्यान से सुनो करना के, क्योंकि बस रात बजेगा बैंड ठीक 10:30 बजे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस नाइट कैंप की शुरुआत पहेली पूछने से करेंगे। खून पी रहा है यार। शर्मा जी, पहेली वाला गेम कितना बोरिंग होता है, पल्लू पकड़ के। हाँ, अब आप क्या करेंगे शर्मा सर? क्योंकि अब तो प्रिंसिपल मैडम तो उन्होंने तो मना कर दिया और आप तो प्रिंसिपल मैडम का पल्लू छोड़ेंगे नहीं। शर्मा जी, क्यों ना अंताक्षरी वाला गेम खेला जाए, पल्लू पकड़ के। वाह प्रिंसिपल मैडम वाह, आपने तो मेरा दिल छीन लिया। मतलब आपने मेरे दिल की बात छीन ली। हाँ हाँ स्टूडेंट्स, तो हम अंताक्षरी खेलेंगे। फ्रिज करंट मारता है। ये खिलाएगी, तू खिलाना। हाँ ठीक है, मैं खिला देती हूँ, उसमें क्या है। खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। खांसे का तू? खांसे शिमला, शिमला ऊटी कहां पर है? शिमला? मैं शिमला नहीं हूँ, मैं हूँ लेडी ड्रैकुला और आज मैं तेरा मीठा खून पीऊंगी। नहीं 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 नहीं,
मेरा खून मत पियो, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे आया था उठी से मिलने। अगर बचना चाहता है तो चिल्लाता हुआ जा। प्रिंसिपल शर्मा की आइटम है, प्रिंसिपल शर्मा की आइटम है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चिल्लाऊंगा, मुझे है ना रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। नहीं, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव, मेरा फेवरेट। रुको 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 रुको, मैं चिल्लाऊंगा, मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा चिल्लाऊंगा। तो चल निकल ले शाने। प्रिंसिपल शर्मा की आइटम है, प्रिंसिपल शर्मा की आइटम है, प्रिंसिपल शर्मा की आइटम है। क्या यार, प्रिंसिपल शर्मा की आइटम है, 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 प्रिंसिपल शर्मा की आइटम है। ओ, ये क्या कह दिया सर, क्या ये सच है? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? अबे दे रहा, ये क्या बकी जा रहा है तू? प्रिंसिपल शर्मा की आइटम है। और प्रिंसिपल शर्मा, चुप बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सच बोलने की? आई मीन इस तरह की बकवास करने की। पल्लू पकड़ के इसे सजा मिलनी चाहिए मैडम, इसे मुर्गा बनाइए। मुर्गा इनका कांड है, ये इसी वक्त बनेगा मुर्गा और सुबह होने तक मुर्गा बन के रहेगा। वैसे जो भी को मजा बड़ा आ रहा है ना, उसकी शकल कतई देखने लायक थी। टीचर मैं हूँ थारी टीचर, यहाँ पे जरा रिलैक्स में रह ले। ये तू खाएगा, पागल हो गया, मर जाएगा, चल। आर यू मैड? तू फंसवा देगा यार, मैं बता रही हूँ, ओवर एक्टिंग मत कर। इतना बंचे तमीज में रहो यार, करी आया क्लास में कांड। हाँ मैडम, लड़की की आवाज में बोल और ऐसी रोनी सूरत बनाने की जरूरत ना है। टूटी मनाली वो देहरादून आ रहा है, देहरादून। तेरे साथ इन तीनों ने अच्छा नहीं किया चप्पल पहन के। सही कह रहा है तू। एक्सक्यूज मी, एक बात बताओ, तुम तीनों की मुझसे क्या दुश्मनी है? हम दोनों के पीछे हाथ पर धोके क्यों पड़े हो? मैं नींद में काटता हूँ। Oh God, yeah. Shimla, you're so rude. और उटी बैंगन लूटी, तुम लोग देख रहे हो ना ये दोनों कितने परेशान हैं। हाँ मनाली, इन दोनों के साथ जरा सा मजाक क्या कर दिया, ये दोनों तो रो पड़े। We are sorry. Boys, हम लोग तो मस्ती कर रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और हम सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। चलो ना, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। यार मान जाना, मनाली इतने प्यार से कह रही है तो हाँ ठीक है। हाँ। तू कहता है तो मान जाता हूँ, वैसे भी मैं कभी मनाली गया नहीं। चल ना। मनाली एक बात बोलूं? तुम बहुत अच्छी हो। तुम भी ना, मुझे बड़े स्मार्ट लगते हो। थैंक यू। ऊटी बैंगन लूटी, आर यू ओके? हाँ। लगी तो नहीं? नहीं, ये दोनों बहुत चंट है। कोई बात नहीं। मेरे यार नू मंदाना बोली। ओए गोपी,
तुम्हारा दुकान कैसा चलती? अरे पठान जी, दुकान तो जी मेरी यार फर्स्ट क्लास चल रही है जी, बढ़िया है जी। हाँ, तुम सच बोलती कि हर बार की तरह हमको बेवकूफ बनाती। तुम जानती जो पठान का पैसा नहीं देती, पठान उसका चमड़ी उधेड़ लेती। नहीं जी नहीं, मेरा बॉस मान भी गया जी। एक मिनट जरा, ये देखो जी, अपना जलेबियां बिकियां, कचौरियां बिकियां, ये 500 रुपए के समोसे तो सिर्फ गुलगुले खा गया जी। ये देखो हिसाब में लिखा हुआ है जी। मतलब तुम उधार देती? नहीं नहीं, ये सब जब सैलरी मिलेगी तो पैसे दे देंगे ना जी, मेरे उधार चुका देंगे। और जलेबी दिखा दी जरा, जलेबी जी। अभी हम जाती ब्याज अगले बार लेती। पठान जी, ये जो आपने चप चप करके जलेबी और समोसे खाए जी, इसके 22 रुपए हो गए जी। ठीक है जी, कोई बात नहीं, खाओ 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 खाओ। वेल, अर गुलगुले और बिल्लू ने नहीं चुकाया मेरा उधार इसदा, तो ये पठान मार मार के मेरी चमड़ी देगा उतार इसदा। बढ़िया क्वालिटी का डाला है ना पाउडर? हाँ मैडम, वो कुत्तों को खुजली वाला आता है ना, वो लगाया। गुड। तू घनी ओवर एक्टिंग कर रहा है, तू पकड़ा जाएगा। एक तो लड़की लग ना रहा कहीं से भी बिल्कुल ही। सॉरी। हाय हाय बेरा। अच्छा जब मैं बताऊं, इसने ना एक नया स्टेप सीखा है, दिखाना इनको तेरा वाला स्टेप। दिखा दूं? देखो अगर कर सकते हो तो कॉपी करना, ठीक है? ये नहीं कर पाएंगे। थोड़ा कठिन कर कर। ये कैसे कैसे एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। स्टूडेंट्स, कल जैसी बदतमीजी इस देहरा ने की है, वैसी बदतमीजी आप में से कभी भी कोई भी ना करे, वरना मैं अपनी डार्लिंग को मतलब प्रिंसिपल साहिबा को समझा नहीं पाऊंगा और वो उस बच्चे को अटर्रा विद्या मंदिर से बाहर निकाल देंगी। फ्रिज करंट मारता है। सर, लेकिन हम तो नहीं करते हैं ना कभी भी कोई बदतमीजी, कभी आज तक ही नहीं और करेंगे भी नहीं, क्योंकि सब वी आर गुड गर्ल्स। और सर मुझे लगता भी नहीं कि देहरादून भी कभी करेंगे अब बदतमीजी, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू बी गुड बॉयज, है ना? अरे एक शर्ट क्यों उतार रहे हो? शर्ट बट शर्मा जी। मॉर्निंग प्रिंसिपल। वेरी गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। ओके केबिन में। आपसे कह रही हूं, आइए मेरे केबिन में पल्लू पकड़ के। तुम दोनों डांस बंद करो, बंद करो अपना डांस। अरे डांस नहीं, डांस नहीं कर रहे सर। किसी ने किसी ने सर खुजली वाला पाउडर डाल दिया सीट पे, बहुत तेज खुजली हो रही है।
झूठ 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 बोल रहे हैं सर, ये बहुत झूठ बोल रहा है। मैंने अपने कानों से सुना था इन दोनों को कहते हुए कि आज ना शर्मे को तपाएंगे। मुंह में आग लगे तेरे, झूठ बोल रही है सर ये। नहीं सर, ये सच कह रही है, मैंने भी सुना था। अरे get out, get out of my class, फ्रिज करंट मारता है। क्या बात है यार गोपी, हमको फ्री में पान खिलाया जा रहा है यार, ये चमत्कार जो है वो कैसे हो रहा है? नहीं नहीं सर, मैं आपको ये पान फ्री में नहीं खिलाऊंगा, बल्कि इसके 10 रुपए लूंगा। तुम्हारी अम्मा का राज चल रहा है क्या भाई यहाँ पर? जो है वो 8 का पान 10 में बेच रहे हो और हमें उम्मीद कर रहे हो कि हम खाएंगे भी है? और वैसे भी गोपी, हम सिर्फ चंपा की दुकान का पान खाते हैं। चंपा? वेल सर, ये मैं पान लाया हूँ चंपा की दुकान से इसदा। मुझे पता है आपको बहुत प्रेम है पान से इसदा। सर आप सोचिए, अगर आप यहाँ से चंपा की दुकान पे पान खाने जाएंगे, 2 रुपए से ज्यादा आपका पेट्रोल लग जाएगा है जी। वही पान अगर आपको यहाँ मिलेगा, आपको तो फायदा ही फायदा ना जी, आपका फायदा मेरा फायदा, सिंपल। एक मिनट, हाँ यार गोपी तुम तो राइट बोल रहे हो, सही है यार, बचेगा पैसा बचेगा। एक काम करो, हमें जरा पान खिलाओ, हम खा के देखें पहले कि ये चंपा की दुकान का है या फिर पुष्पा की दुकान का है। कैरी ऑन। वाह गोपी वाह, ये तो अचानक एकदम चंपा की ही दुकान का पान है भाई, क्योंकि उसी दुकान का पान खा कर जो है हमारे तन बदन में खलबली मच जाती है और हम ऐसे 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 नाचने लगते हैं। वाह सर, अब तो आप मेरी दुकान से ही पान खरीदेंगे ना? 100% तुम्हारी दुकान से पान खरीदेंगे, फिक्स हो गया है, पक्का है, डन डन डन। सर थैंक यू वेरी मच इसदा, मेरी सास मुझे कहती है मगरमच्छ इसदा। सर अगर आपकी इजाजत हो, वो अपने मल्होत्रा साहब है ना, उनके पोते का जन्मदिन है जी, और समोसों का ऑर्डर था, उसमें दे के जरा आ जाऊं है जी। जाओ गोपी, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पे, जाओ, हमारी परमिशन है। सर सर यो कहाँ गया गोपी? अरे मैं चला रहा, वो गोपी को कोई मल्होत्रा साहब के यहाँ समोसे पहुंचाने थे तो वहां चला गया वो। लेकिन एक बात कहें, मैं चला रहा आपसे, गोपी जो है ना दिल का बहुत बढ़िया आदमी, फर्स्ट क्लास आदमी है। देखिए आप किस तरह उसने अपनी दुकान पर जो है हमारी खातिर जस्ट फॉर मी चंपा का पान रखना शुरू कर दिया, ताकि हमारे पैसे ना खर्च हो ज्यादा फजूल में, पेट्रोल वेट्रोल में ना जाए। बहुत बढ़िया आदमी, दिल जीत गया उसने हमारा, फर्स्ट क्लास। यो लपाड़पंथी बंद करवानी पड़ेगी, वरना पूरी पुलिस डिपार्टमेंट और स्पेशली मारी चौकी का नाम समोसों में मिल जाएगा कतई। मैं तो डरा, हम कुछ समझे नहीं। मैं समझाती हूँ ना सर, मैं हूं ना, समझाती हूँ, पर समझने से पहले आप सुनिए कि गोपी की वो जबरदस्ती से खोली हुई दुकान कैसे बंद करनी है और उसे सबक कैसे सिखाना है, सुनिए। ओहो मैं चौटाला, अब जो है आप बिल्कुल फिक्र छोड़ दीजिए, देखिए स्वयं भोला पंडित अब क्या करता है, बस बोलिए हमारे साथ, बाकी बिहारीलाल की जय।